गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास फाइव स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स फर्स्ट टेक आउट योर क्लास फाइव हिंदी बुक ओके दैट इज योर गुंजन बुक एंड कम टू द पेज नंबर 21 विच इज योर चैप्टर 3 वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि बहुत सारे वाद्य यंत्र और उसके कौन कौन से मतलब कार्य में उसको नियोग किया जाता है उसका व्यवहार किया जाता है। तो बातों बातों में क्या है, न कोयल के कूकने नदियों के कलकल में क्या छिपा है, संगीत किसके बिना अधूरा है, गाने में ताल झंकार और मधुरता किस कारण आती है। तो मानव जीवन संगीत से हमेशा से जुड़ा रहा है। उदास और निराश मन को प्रफुल्लित करने वाले संगीत के महत्वपूर्ण अंग है विविध वाद्य यंत्र। तो वाद्य कोई भी हो और किसी भी तरह के बजाया जाए, उत्पन्न ध्वनि मधुर संगीत ही होती है। इस पाठ में ऐसे ही कुछ विशेष वाद्य यंत्रों की जानकारी दी गई है। जैसे ढोल की आवाज़ सुनते ही पैर थिरकने लगते हैं, थिरक मतलब हिलता है, और मन खुशी से झूम उठता है, ऐसा लगता है कि हम नाचेंगे। तो फिल्म हो या कार्टून, उत्सव या त्यौहार, देश या विदेश, संगीत अपना विशेष महत्व रखता है। ओके, चाहे फिल्म हो या कार्टून हो, देखो सब में म्यूजिक रहता है, मतलब संगीत मतलब क्या म्यूजिक, उसमें रिदिम रहता है, साउंड रहता है। ओके, तो शहनाई की मधुर ध्वनि दूर से ही बता देती है कि विवाह उत्सव शुरू हो चुका है। जहाँ पे भी शादी वगैरह होती है वहाँ पे क्या बजता है, शहनाई बजता है। तो शहनाई बजने से पता चलता है कि वहाँ पे कोई शादी हो रही है। तो विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं जो मंगल की सूचना देते हैं। मंगल मीन्स क्या, मतलब शुभ सूचना। तो तबले की थाप, सितार की धुन और शहनाई की ध्वनि हमें खुशियों की एक अनोखी दुनिया में ले जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि बाहर कोई पर्व हो रहा है या फिर कोई शादी हो रही है कि यह खुशी का माहौल है। तो भारत में संगीत के क्षेत्र में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों का विकास हुआ है। ये वाद्य यंत्र अलग अलग तरह से बजाए जाते हैं। तबला ढोलक जैसे वाद्य यंत्रों को थाप देकर बजाया जाता है, तो बांसुरी शहनाई को फूंक से और सितार संतूर आदि को तारों के कंपन उत्पन्न करने से बजाया जाता है। तो संगीत में वाद्य यंत्रों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सुरों को ताल देने के लिए तरह तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम कुछ प्रमुख वाद्य यंत्रों की जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि तबला। ना थाप देकर जैसे तबला बजाते हैं, तबला आपने देखा होगा दोनों हाथ से थाप देकर बजाते हैं। थाप देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में तबला सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर पाश्चात्य संगीत तक में किया जाता है। शास्त्रीय संगीत मीन्स क्लासिकल म्यूजिक और पाश्चात्य मीन्स मॉडर्न म्यूजिक तक किया जाता है। ये उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है। संगीत में दो तबलों का प्रयोग किया जाता है। बाएं हाथ से बजाया जाने वाला यंत्र आकार में बड़ा होता है, इसे बायां कहा जाता है। दाएं हाथ से बजाया जाने वाला यंत्र को दायां कहा जाता है, ये आकार में छोटा होता है। ओके, कुछ इस तरह, ये बायां ये दायां। तो बायां तबला मिट्टी या धातु से और दायां तबला लकड़ी से बना होता है। तबले को बजाते समय हाथ की उंगलियों, हथेली और कलाई का प्रयोग किया जाता है। जाकिर हुसैन, पंडित आनंद चटर्जी, उस्ताद सुखविंदर सिंह नामधारी, पंडित अनोखेलाल मिश्रा ने तबला वादन में काफ़ी शोहरत हासिल की है। ओके, तो आते हैं बांसुरी की ओर। ये बांसुरी है। तो फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में बांसुरी सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है। सुरीला मीन्स मधुर, मतलब कान को अच्छा सुनाई देता है। तो बांसुरी लकड़ी की बनी होती है जिसमें छेद के पार हवा के प्रभाव से ध्वनि उत्पन्न होती है। यहाँ पे छेद होता है, तो यहाँ इस छेद में क्या होता है ना, हवा भर के ध्वनियाँ उत्पन्न की जाती है। करीब 35 से 40 हजार साल पहले की कई बांसुरियाँ जर्मनी के स्वाबियन अल्फ क्षेत्र में पाई गई है। इन बांसुरियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि यूरोप में एक विकसित संगीत परंपरा आधुनिक मानव की उपस्थिति के प्रारंभिक काल में भी विद्यमान थी। वहीं भारत में भी बांसुरी पौराणिक महत्व रखती है। भारत के प्रमुख बांसुरी वादकों के हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राकेश चौरसिया के नाम उल्लेखनीय है। अब आते हैं शहनाई की ओर। शहनाई एक खोखली नली जैसी होती है जिसका एक सिरा अधिक चौड़ा तथा दूसरा पतला होता है। शहनाई के संकरे सिरे पर डेने के आकार की 1 सेंटीमीटर लंबी दो पतलियां लगी होती है। उस्ताद बिस्मिल्ला खां की शहनाई ये शहनाई का है,
ये सहनाई है, ओके। तो सहनाई की ध्वनि कानों में पड़ते ही आनंद की अनुभूति होती है, वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ सहनाई वादक माने जाते हैं। कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ओके। अब आते हैं सितार की ओर। ये सितार है, तारों में कंपन पैदा करने बजाए जाने वाले यंत्रों में सितार सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। ये सागौन की लकड़ी और कद्दू, कद्दू मीन्स पम्पकिन, जो से बना होता है। इसे बजाते समय अंगुली में मेहराब पहनकर इसके तारों को झंकृत किया जाता है। इसका प्रयोग भी शास्त्रीय तथा अन्य तरह के संगीत में किया जाता है। सितार पूरी तरह भारतीय वाद्य यंत्र है। सितार पारंपरिक वाद्य यंत्र होने के साथ ही सबसे अधिक लोकप्रिय भी है। इसे भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र होने का गौरव भी प्राप्त है। किसको? सितार को। पंडित रविशंकर, उस्ताद लियाकत खान, शहीद परवेज खान और पंडित उमाशंकर मिश्रा ऐसे नाम हैं जिन्होंने सितार वादक परंपरा को लोकप्रियता की बुलंदियों तक पहुंचाया है। देन आते हैं संतूर। संतूर का भारतीय नाम स्वतंत्रति वीणा यानी सौ तारों वाली वीणा था, जिसे बाद में फारसी भाषा के प्रभाव से संतूर नाम दिया गया। ये अपने आप में एक अनोखा वाद्य यंत्र है जो कि तार का साज होने के बावजूद लकड़ी की छोटी छड़ों से बजाया जाता है। ये मूल रूप से कश्मीर का लोक वाद्य है जिसे सूफी संगीत में इस्तेमाल किया जाता है। पहले इसका चलन केवल कश्मीर में था, लेकिन आज ये भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र में से एक है। इसका प्रयोग भी शास्त्रीय संगीत में लेकर अन्य सभी प्रकार के संगीत में किया जाता है। पंडित शिव कुमार शर्मा ने इसे लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचाने में विशेष योगदान दिया। गायन के साथ जब वाद्य यंत्रों का साथ मिलता है तो श्रोतागण उस गीत संगीत में डूब जाते हैं। भारतीय वाद्य यंत्रों में अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण देश विदेश में भी अपना विशेष स्थान बना लिया है। तो आज हम एतंग पढ़ेंगे, आप इसको घर में और एक बार पढ़ोगे, इसके जो डिफिकल्ट वर्ड है उसका मीनिंग भी समझोगे, ओके। तो अगले क्लास में हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, ओके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।